केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए रुक करते हैं झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। और हम सब जानते हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बोकारो में स्थित उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पे झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार उनके परिवार के साथ में बने रहे। आखिर क्या कुछ हुआ, पूरी घटना को आइए विस्तार से जानते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कई महीनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उनका स्वास्थ्य से में परेशानी को देखते उन्हें रांची से चेन्नई एयरलिफ्ट कर ले जाया गया था। इलाज के दौरान ही शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। मंत्री के निधन से राजनीति दलों में शोक की लहर है। जगन्नाथ महतो का निधन सुबह 6:30 बजे चेन्नई के MGM अस्पताल में हुई थी। अगर बात करते हैं आगे आखिर क्या कुछ हुआ, तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और बोकारो स्थित उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्ट में CM हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मंत्री कमलेश ठाकुर, सत्यानंद भोता, महुआ माझी समेत कई गणमान्य वहां पर शामिल थे। वहीं बोकारो जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर बोकारो स्थित उनके घर पर पहुँचाया गया। इससे पहले वहां का माहौल पहले ही गमगीन हो चुका था और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक में फुसरों की दुकानें बंद रही। युवा व्यवसायी संघ ने शोक सभा का आयोजन किया। बता दें कि BED कॉलेज मैदान को श्रद्धांजलि सभा स्थल बनाया गया था। वहीं मंत्री के गाँव सिमरा कुल्ही में हेलीपैड बन रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री सीधे रांची से हेलीकॉप्टर में पहुँचे थे। गांव से भंडारी दह तक हर 10 से 15 मीटर पर पुलिस के बल की तैनाती की गई है। वहीं अत्युष्ट स्थल पर बोकारो के DDC दिशा निर्देश दे रहे थे। तो इसी खबर के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ खास खबर में, तब तक जुड़े रहे केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।